हेलो फ्रेंड्स, आई एम विकास कुमार सिंह। आज मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त मिस्टर तरुण अग्रवाल हमारे यहाँ आए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से वो एक बहुत ही एक नए बिजनेस में इन्वॉल्व है और उसने मुझे भी इसके बारे में बताया था। तो मैं आज उससे बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर करना चाहता हूँ बिजनेस से रिलेटेड। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो भी एक नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, उन सभी लोगों के दिमाग में भी यही सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स मीट माय फ्रेंड मिस्टर तरुण अग्रवाल। हेलो विकास, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, आप बताओ। एकदम बढ़िया विकास। तो तरुण, सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने बिजनेस जॉब छोड़ के बिजनेस में कैसे आने का सोचा? देखिए विकास, एक्चुअली मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि विकास जो है, विकास और मैं, हम दोनों ने साथ में ही एक्सियल ज्वाइन करी थी सन 2007 में, सितंबर 2007। तो हम लोगों ने जो एक्सियल में जब फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया तो हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। तो जब हमने ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे ये था कि हम लोग बड़े एक्साइटेड थे कि भाई इतनी अच्छी आईटी कंपनी में हमारी जॉब लग गई है। yes, yes. और हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और काफी हमें बड़ा अच्छा हमने टाइम वहाँ पे स्पेंड करा। हम लोग नोएडा में साथ में थे, फिर उसके बाद चेन्नई में साथ में गए। तो उसके बाद फिर मतलब ये है कि आप तो जानते ही हैं कि आठ साल तक मैंने जॉब करी थी। लेकिन अचानक से जो आपका प्रश्न ये है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ, बिल्कुल की जॉब से बिजनेस में स्विच करना, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ही एक क्रूशियल डिसीजन होता है, खासकर तब जब आप मैरिड हैं और आपके बाल बच्चे भी हैं। तो एक्चुअली क्या था कि वैसे जॉब में सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपको भी पता है, सब कुछ बहुत ही ताकि हर एक इंसान जिसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि वो कुछ और करे, जिसमें लगता है कि वो अपने पोटेंशियल को सही जगह अप्लाई नहीं कर पा रहा, तो आखिर कैसे, कौन सा मोटिवेशन था जो कि आपने कर लिया, मैं नहीं कर पाया? नहीं, बात ये नहीं है। देखिए, बात ये है कि क्या ऐसा क्या था कि जिस वजह से, जिसने मुझे मोटिवेट करा yes, yes, कि मैं जॉब से बिजनेस की तरफ मूव करूं? ये ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इतनी कॉन्फिडेंस दिलाई कि आपने सोचा कि यस आई कैन मूव? देखिए, एक्चुअली क्या होता कि मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, एक स्टोरी के फॉर्म में मैं उसको समझाना चाहूंगा। तो एक बार क्या होता है कि एक छोटा हाथी होता है, हाथी का बच्चा जो होता है अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी, क्या हम इस पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर जानवर है? उसकी मम्मी कहती है हाँ भाई, सबसे ताकतवर जानवर है। फिर वो दोबारा पूछता है कि क्या मम्मी, हम इस पूरी दुनिया के सबसे विशाल जानवर है? तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ कि हम सबसे विशाल जानवर भी हैं। तो फिर से वो पूछता है कि क्या वाकई में सबसे शक्तिशाली जानवर है? तो उसकी मम्मी कहती है हाँ भाई, सबसे शक्तिशाली भी जानवर है। तो उसकी मम्मी फिर क्वेश्चन ये पूछती है कि आज इतने टाइप के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं तेरे दिमाग में? तो वो जो बेबी एलिफेंट कहता है कि मम्मी, जैसे आपने बोला अभी कि हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा विशाल जानवर है अगर इस पूरी दुनिया में, तो फिर हम सर्कस में क्या कर रहे हैं? तो एक्चुअली बात में ये बोलना, मैं ये आपको सुनना चाहूंगा कि जो मेन जो एक मोड आया या एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं ऐसा क्यों मैं करूँ, वो सिर्फ इसी रीजन की वजह से आया था कि जॉब में सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छी सैलरी थी, सब कुछ बहुत बढ़िया, बट कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर एक चीज थी कि थोड़ा सा मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, मतलब और ज्यादा मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं कुछ और भी अपनी लाइफ में और बेहतर मैं कर सकता हूँ। एक जो एक मैं नहीं बोलूँगा कि जॉब वर्सेस बिजनेस में मैं जॉब को कम या बिजनेस को ऊपर, ऐसे मैं कुछ डिबेट नहीं करना चाहता हूँ, बट बात यह है कि अगर इंडिविजुअली मैं देखूँ अपनी बात करूँ तो मेरे को ये समझ में आ रहा था कि मुझे कुछ और मैं कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, और ज़्यादा अच्छा, और ज़्यादा मुझे कुछ रिस्क लेना चाहिए इस वक्त में। तो कुछ मैंने प्लानिंग करी अपने बिजनेस से रिलेटेड। तो आपको बताइए कि मैंने अपनी एक आईटी कंपनी और एक कंप्यूटर अकेडमी मैंने खोली, आईटी सॉल्यूशन न्यू दिल्ली में, अगस्त 2015 में मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मई 2016 में, लास्ट ईयर, मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जो कि एक जबरदस्त एक कंपनी है। अच्छा, जो कि अमेरिका बेस्ड कंपनी है, उसके बारे में और जिक्र करेंगे। दिस इज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, दिस इज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हां, तो एक्चुअली क्या है कि ये दो बिजनेस मैंने स्टार्ट करे थे, एक तो वेब चेन फैक्ट्री सॉल्यूशन था, उसके बाद फिर मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मैंने स्टार्ट करी।
मई 2016 में आगे पता था। एंड देन उसके बाद फिर मुझे लिखने का काफ़ी अच्छा काफ़ी शौक था, पढ़ने और लिखने का काफ़ी शौक है, काफ़ी बुक्स में किताबें पढ़ता हूँ, तो मैं सोचा कि मैं लिख भी अच्छा लेता हूँ तो क्यों ना एक ब्लॉग भी स्टार्ट करी जाए। तो अभी हाल ही में अक्टूबर नवंबर 2016 में मैंने अपनी ब्लॉग स्टार्ट करी है जिसका है www.dailysouls.com। तो ये ब्लॉग है जिसमें मैं अलग अलग टॉपिक टाइप के टॉपिक्स के बारे में मैं अपना लिखता हूँ, अपने आर्टिकल्स अपने थॉट्स में लिखता हूँ। सो यही था कि कुछ नया कुछ करना चाह रहा था अपनी लाइफ में और कुछ अच्छा करना चाह रहा था, तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं जॉब से बिजनेस की तरफ मूव करूँ।